झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व नियोजन नीति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चालू हो गए हैं। लोग अपनी मांग को लेकर धरना जगह जगह प्रदर्शन कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसी क्रम में खोरीमुआ अनुमंडल कार्यालय के सामने भी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया, जहां कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया तथा अपनी मांगे रखी। होना चाहिए, उनसे मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, और जो इधर उधर टहल रहे हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप इस बैठक में आकर अपना अहम योगदान दें। हम लोगों के बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे बीच हम लोगों के वशिष्ठ खोरीमुआ अनुमंडल परिसर के गेट के बाहर हम लोग 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लागू करने के लेकर हम लोग आज यहां धरना प्रदर्शन किए हैं। यह काम आज से 20 वर्ष पहले जब हमारा राज्य बिहार से अलग हो चुका था तब होना चाहिए था, लेकिन यहां के नेता, यहां के जनप्रतिनिधि बिहारी आके चुने, बिहारी लोग यहाँ को यहाँ पे राज कर रहे हैं और बाहरी लोग आकर के हमारे झारखंड में आज राज कर रहे हैं। अब यह नीति नहीं चलेगी। हम लोग हेमंत सरकार को आज ये चेतावनी देने आए हैं कि यदि बहुत जल्द 1932 की स्थानीय नीति और नियोजन नीति को नहीं लागू किया जाता है तो हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में एक उग्र आंदोलन करेंगे। और मैं इस मीडिया बंधु के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कल खास करके जो हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का जो स्टेटमेंट आया है उनका खंडन करते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि यदि हम लोग 1932 के खतियानधारी लोग यदि गुंडा हैं तो ठीक है, हम लोगों की गुंडगी को आप देखिए, यदि यहाँ के 1932 लागू नहीं होता है तो ये गुंडे पूरे झारखंड में ऐसी गुंडगी करेंगे कि ना बाहरी नेता को यहाँ जगह देंगे, ना बाहरी अफसर को देंगे, ना बाहरी किसी भी कर्मचारी छोटे फोर्थ ग्रेड थर्ड ग्रेड में किसी को जगह नहीं देंगे। हम लोग 2-3 दिन पहले एक बयान जो आया बच्ची का, बहुत अच्छी बयान है उसकी कि हमारे लोग ढीबरा चुनते हैं, हमारे लोग पत्थर तोड़ते हैं, हम लोग भूखे रहते हैं, मजदूरी करते हैं और हमारे यहाँ आके बाहरी लोग हमारा शोषण करते हैं, हमारे यहाँ राज करते हैं, ये चीज़ अब नहीं चलने देंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग खोरीमुआ अनुमंडल में ये धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारे सरकार से मांग है कि जितनी जल्द हो सके हम लोगों की मांग को मान लिया जाए। यदि आपका अध्ययन हो गया तो आज का जो हम लोगों का आंदोलन है वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर की है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ हमारी सरकार को हम लोगों ने जिताई, हम लोग ने सत्ता पे लाया कि हमारी ये झारखंड की पार्टी है, झारखंड की माटी पुत्र है, इसको हम लोग सरकार बनाएंगे। तो हमें अपना जो मैनिफेस्टो में जो लाया था कि हम 1932 का खतियान को लाएंगे और हम लोग जब सरकार बनाए तो इसीलिए हम लोग अभी धरना कर रहे हैं कि दादा आपने जो बोले थे कि 1932 का खतियान को लागू करेंगे, हम लोग भी यही मांग करते कि एक डेड लाइन के अनुसार 1932 का खतियान को स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लागू किया जाए और थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में बाहरी को नौकरी ना दिया जाए, क्योंकि हम लोग कहीं अदर स्टेट में आवेदन देते हैं तो वहाँ हम लोग की आवेदन को निरस्त किया जाता है, तो फिर यहाँ बाहरी को क्यों, यहाँ बिहारी बंगाली यूपी वालों के लिए क्यों द्वार खोल के रखे हैं, यहाँ उसके कोई बाप दादा यहाँ आंदोलन में अपना जान नहीं दिया है, यहाँ हम लोग का माटीपुर यहाँ खून बहाया है झारखंड के लिए, हम लोग यहाँ के हमारे वंशज यहाँ पे लगे हैं झारखंड के लिए, तो हमें यहाँ के लिए अधिकार मिले इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन किए। जो खतियान का मांग किया जा रहा है ये इन लोगों का मांग जायज है और हमने अपनी सरकार से भी अपील करेंगे सरकार को कि ये खतियान धार को भी उचित स्थान नहीं मिल रहा है जिसका कारण झगड़ा हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वे बाहरी और भीतर को लड़ने दीजिए, उसको उचित स्थान देते हुए हमारे खतियान धारक को नौकरी मिलनी चाहिए, उस तरह से खतियान का आधार बननी चाहिए जिसमें हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं और बाहरी लोग केवल सब पढ़ लिख कर यहाँ बैठे हैं, उसको केवल उसी को नौकरी मिल रही है जिसका लड़ाई है, इसलिए प्रायोरिटी देते हुए जिस तरह से अन्य राज्यों में है उससे शिक्षा लेनी चाहिए। और आज तक जितने भी सरकार बने खतियान को केवल आधार बनाया है और यहाँ के झारखंडियों को छलने का काम किया है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम अपनी सरकार से अपील करेंगे कि इसको जल्दी खत्म किया जाए। किसी सरकार ने नहीं कर पाया, हम उम्मीद करेंगे अपनी सरकार से खत्म करेंगे। और आज दिनांक 15 मार्च 2022 को अनुमंडल के प्रांगण में एक दिवसीय धरना रखा गया। ये धरना का मैं इस मांग को लेकर रखे हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर
स्थानीय नीति और नियोजन नीति बने। जिस तरह हेमंत सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, एक स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं होने के कारण जितने युवा हैं आज, जितने परीक्षाएं हैं या तो प्रतियोगिता है उसमें देने पे भी कतराते हों, इस तरह आने वाले भविष्य में खासकर जो झारखंडी मूल निवासी हैं उनके लाइफ एक तरह से खतरे में जाएंगे, क्योंकि ना जॉब होगा ना उनके पास और कुछ होगा तो घर द्वार कैसे चलाएंगे। तो जिस तरह झारखंड सरकार युवाओं का लाइफ बर्बाद कर रही है, उसके लिए झारखंड सरकार, जो हेमंत सरकार अभी है, वो सचेत हो जाए और यदि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनाती है तो उस हेमंत सरकार को काफ़ी खामियाजा भुगतना होगा। ये जो आज एक दिवसीय धरना रखा गया है, ये कोई खास पार्टी का नहीं है, इसमें ज़्यादातर सामाजिक लोग उपस्थित हुए हैं और सामाजिक लोग ही नेतृत्व कर रहे हैं। यदि आज इतने सारे सामाजिक लोग जागरूक हो रहे हैं, यदि हेमंत सरकार इससे नहीं उभरे या इससे सचेत नहीं हुए तो इन्हें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा हेमंत सरकार से यही कहना है कि वो एक स्पष्ट स्थानीय नीति जल्दी से जल्दी बनाए, और नहीं बनाए तो जब तक 1932 के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनती है हम लोग का मांग जारी रहेगा और आंदोलन को और उग्र और हम लोग बढ़ाते जाएंगे। आज के धरना पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, संघर्षशील साथीगण, झारखंड के लिए 1932 का खतियान होना अति आवश्यक है, तभी जाके आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरेगा। यहाँ का जो भाषा है, हम जहाँ भी जाते हैं, पंजाब जाते हैं पंजाबी भाषा, गुजरात जाते हैं गुजराती भाषा, बंगाल जाते हैं बंगाली भाषा, तो झारखंड में झारखंडी भाषा क्यों नहीं? झारखंड में भी झारखंडी भाषा हो। जब दिल्ली जाते हैं दिल्ली भाषा बोला जाता है, मद्रास जाते हैं मद्रासी भाषा बोला जाता है, जब हर स्टेट पे अलग अलग भाषा बोला जाता है तो झारखंड में झारखंडी भाषा क्यों नहीं बोला जाएगा? हर जगह लोकल, जहां भी जाइए आप, दिल्ली में भी जाइए, सबसे पहले प्राथमिकता दिल्ली वाले बच्चों को मिलता है। तो झारखंड में भी झारखंडियों को नौकरी, प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, उसको क्यों नहीं प्राथमिकता दी जाती है? यहाँ जितने भी बच्चे हैं पढ़ लिखे हैं, लेकिन जब बहाली होती है तो दूसरे स्टेट के लोग फायदा ले लेते हैं, और यहाँ के जो जन्मजात से हैं, यहाँ जो पूर्वज लोग रह रहे हैं उनके बच्चे बेचारे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी कल आके बसा हुआ है। हाँ, वो रहे, यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ नौकरी की बात हो, जहाँ मान सम्मान की बात हो, जहाँ भाषा की बात हो, वहाँ सबसे पहले झारखंडियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।